नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये मंडे यानी परसों के सेशन में एक बड़ी गिरावट का कैंडिडेट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल इसने देर शाम अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स पेश करे हैं जो कि काफी खराब आए हैं। हर एक पैमाने पे नंबर्स आपको डिसअपॉइंट करते हुए दिखेंगे, खराब दिखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हो। मैं आप सभी के साथ इसके नंबर्स पेश कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये नहीं होना चाहिए कि आप मंडे को मार्केट खुलते ही स्टॉक को बेच देते हो कि भाई मैंने वीडियो देखी है नंबर्स खराब है बेच देता हूं। ये चीज आपको केवल इसलिए इन्फॉर्म करी जा रही है कि भाई मेरे पास अगर मान लो स्टॉक है, मैं इन्वेस्ट कर रखा है मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो भाई मुझे पता चल गया मेरी कंपनी ने नंबर्स पेश करे हैं खराब, स्टॉक गिरेगा। आपने व्यू कितना रखा है, नेक्स्ट क्वार्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब समझो और फिर डिसीजन लो। ट्रेडिंग का व्यू है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक का नाम जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, 262 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, 1.28% गिरकर बंद हुआ है। 369 का इसका 52 वीक हाई है, वहां से अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है, एंड 182 का 52 वीक लो है, वहां से अच्छा खासा ऊपर भी है, यानी कि मिडल में ट्रेड कर रहा है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.1% का है, जो कि अच्छा दिखता है। अब बिना किसी देरी के पहले वीडियो में नंबर शेयर करता हूं, उसके बाद स्टॉक का प्राइस बिहेवियर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट बन रहा है और क्या रेजिस्टेंस है नेक्स्ट स्टॉक का। कभी कभार खराब नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन भी आ जाता है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहां कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर में 457 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था और अभी 187 करोड़ का आया है, यानी 457 करोड़ से घटकर 187 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका प्रॉफिट आता हुआ दिखाया, काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 321 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 187 करोड़ पे आता हुआ दिखाया, तो यहां भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती हुई दिखी है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.83 रुपीस से घटकर 1.09 पे आ गए, यानी ऑलमोस्ट 1.8 रुपीस पर शेयर घट गया है इसका अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर बात करें तो वो भी आधा रह गया, 1.97 के सामने 1.09 पे आता हुआ दिखाया, तो ये काफी खराब दिख रहे हैं नंबर्स। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 37% से घटकर 28% आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 42% से घटकर 28% पे आते हुए दिखे हैं। सेल्स की बात करें तो लगभग 2387 करोड़ से घटकर 2248 करोड़ पे सेल्स का नंबर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1900 करोड़ से घटकर 2248 करोड़ पे आता हुआ दिखाया, तो हर एक पैमाने पे नंबर्स खराब है, स्टॉक एक कैंडिडेट बनता है बड़ी गिरावट का। अब इसके स्टॉक का प्राइस का बिहेवियर चेक करते हैं कैसा रह सकता है स्टॉक का प्राइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में आप जितना ज्यादा सीखेंगे ना उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो भाई सीखना स्टार्ट करिए। अब सीखे कैसे, तो यहां पे मैं आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन शेयर करता हूं, इनफैक्ट आप गूगल कर सकते हैं एप्लीकेशन भी नहीं, और ये है ई लर्न मार्केट्स, यानी कि आप लर्न करिए, सीखिए, पढ़िए, कोर्सेज को एनरोल कीजिए, एंड जितना ज्यादा सीखते जाएंगे उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए यहां स्पेशल एक डिस्काउंट भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 999 यानी 999 का ये कोर्स है, और आप अगर इसको एनरोल करते हैं तो आपको ये मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, आप इसके एनरोल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे साइन इन वगैरह एंड गूगल और जो भी डाटा आएगा वो फिल करेंगे, जैसे अपना नाम, एड्रेस एंड पिन कोड वगैरह, उसके बाद आपको अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अप्लाई कूपन कोड करते हैं तो वहां पे आप हमारा कूपन डालेंगे SHML100 पे, एंड ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, एंड आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए स्टॉक मार्केट को, एंड पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बस जितना ज्यादा सीख जाएंगे आपका पैसा बनता जाएगा, बस लर्निंग मत छोड़ना कभी भी, सीखते चलो हर चीज से, जो लोग सीखते नहीं है ना वो लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, लॉस हो रहा है। आइदर यू विल अर्न और आइदर यू विल लर्न, अगर आप लर्न भी नहीं कर रहे हो, अर्न भी नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोर्स इनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को लेकर कि कैसा रह सकता है प्राइस बिहेवियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक के नंबर्स खराब है, नेगेटिव की उम्मीद है मुझे पहले, तो अब स्टॉक
अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो कह नहीं सकते। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में रिसेंट सपोर्ट जो है वो अराउंड 253 का लो, इनफैक्ट सपोर्ट नहीं है, कंटिन्यू लोअर लोस लगा रहा है स्टॉक, और जो प्रीवियस लो वो है 252 का। स्टॉक पहले तो वही टेस्ट करेगा और वो ब्रेक करता है तो स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, 240-235 रुपीस तक के लेवल्स भी स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं स्टॉक की बात करें तेजी में तो जब तक स्टॉक प्रीवियस हाई 293 बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक कंटिन्यू लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन बना हुआ है, वही कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, अभी तो नेगेटिव दिख रहा है। चार्ट्स भी अगर रिजल्ट्स नहीं भी आए होते नेगेटिव तभी इस स्टॉक को लेकर मैं उतना पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि चार्ट्स उतने खास नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।